आप ऐसा स्टार कर रहे हैं लोगों को कि लोगों को पता चले कि आप डीएक्सएम क्यों कर रही हैं। डीएक्सएम में तो मैं वैसे ही आ गई थी, सिर्फ कॉफी पी थी और कॉफी अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा कॉफी का डब्बा दे, उन्होंने कहा साइन करें, ये सिस्टम है, सिस्टम तो खैर समझा नहीं। कॉफी ली, बहुत अच्छी लगी, एनर्जेटिक थी, मैंने कहा इसमें क्या कहते हैं गैनोडर्मा, तो मैंने सिर्फ गैनोडर्मा की ट्रेनिंग ली थी। जहाँ मुझे पता चलता था वहाँ पहुँच जाती थी, 10 बजे 11 बजे रात के पहुँच जाती थी, इंटरनेट यहाँ जितने सेंटर्स हैं सब जगह से मैंने ट्रेनिंग ली। मैंने कहा ये कोई अच्छी चीज़ है, और मैंने स्टार्ट सिर्फ कॉफ़ी से ही किया था। कॉफ़ी से मैंने इतना कमाया है कि आप लोग बिलीव नहीं कर सकते। जब सबके 250 आते थे फर्स्ट, वो मेरा 1000 का आया था, तो सब कहने लगे 1000 कैसे आ गया, 1000 कैसे आ गया, तो मैं चौंक गई, मैंने कहा क्या 1000 आ गया। कहते हैं सबके पहला तो वो 250 आता है, आपका 1000 कैसे आ गया। तो कमाने के तरीके आने चाहिए, यहाँ पे बहुत आसान तरीका है कमाने का सिर्फ कॉफी से ही, बस समझना चाहिए। मार्केटिंग प्लान जिसको अच्छा आएगा वो बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। और मैं तो यहाँ क्राउन एम्बेसडर बनने आई हूँ। कौन कौन बनने आया है क्राउन एम्बेसडर? आइए तो चले मेरे साथ मुट्ठी बंद करें और कहें आई विल। बस ये रोज सुबह उठ के 3 दफा बोले आप बन जाएंगे। बहुत सारे मेंबर्स ने, मैंने देखा कि उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया आपकी इस, ये हालांकि ये छोटी सी अपना बात, तो ये कि जिनको बनना होता है वही करते हैं। अच्छा, मैं देख रहा था पीछे मुड़ के, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इसका थोड़ा उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं ताकि उनको पता हो जाए आप क्या बोल रही। मैं कर सकती हूं, तो मैडम ने जो इंग्लिश में आप लोगों को बोला है कि मैं कर सकती हूं, तो आप लोग इसको समझ लें मैं कर सकता हूं। आगे बोलिए। मैं कर सकता हूँ। भरपूर मिला कर दीजिए। क्या होगा उतनी जल्दी आप बन जाओगे। और ब्रिल की मैं एक बात बताऊं, अभी अधिक साहब कह रहे थे तो मैंने उनको भी बताया कि एक दिन मैंने जब घर से निकली थी, मैंने कहा 100 टीवी करके ही घर में कदम रखूंगी। तो बता देती हूँ किस तरह हुआ। पूरे दिन मैं मेहनत करती रही करती रही, रात के 9 बजे तक मैं घर तक पहुंची, मेरे नहीं हुए थे, 40 टीवी हुए थे। मैंने कहा मैं ये कैसे पूरे करूं, मैंने तो कहा था 100 टीवी करके ही घर जाऊंगी। सोचती रही फिर रेस्टोरेंट है वहां बैठ गई, मैंने कहा कुछ खा पी के जरा दिमाग ठंडा करूं। फिर मैंने कहा अब क्या करूं, 9:30 हो गए, फिर मैंने कहा अब तो लेट हो जाएगा, घर गई। मेरा थर्ड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे रुकी, मैंने कहा कि मैंने तो 100 पीवी करने थे, मैंने 40 पीवी किए, अब क्या करूं। सेकंड फ्लोर पे खड़ी रही, फिर सोचती रही, फिर वो आधा घंटा, फिर तीसरे फ्लोर पे खड़ी रही। मैंने कहा कोई अगर नेबर निकलेगा तो वो कहेगा इनको सजा मिली है, क्या हुआ है, घर में झगड़ा हुआ है, इनको बाहर निकाल के रखा है। मैंने कहा मैंने तो किए नहीं है, अब क्या करूं। तो बाहर मुझे एंटर नहीं होना था, दरवाजे के पास गई, वापस बाहर आ गई। फिर मैंने कहा क्या करूं। फिर मैंने कहा यूं करती हूं, कल 200 पीवी कर लेती हूं, आज के 60 और कल के 100, यूं करके मैं पूरे कर लूंगी। यकीन करें मैंने घर के दरवाजे पे भी नॉक किया भी नहीं था, फोन आया, मैंने जब फोन उठाया मुझे 150 पीवी का ऑर्डर मिल गया, यानी दूसरे दिन के 100 पीवी भी मेरे मुकम्मल हैं। देखिए इतनी अच्छी खातून है, इतनी अच्छी लीडर है, आपकी देखने वाली आंख होनी चाहिए।